नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड की खास पेशकश न्यूज स्पेशल में आपका स्वागत है। न्यूज स्पेशल में हम आम उन खबरों पर फोकस करते हैं जो कई बार आप तक प्रभावी अंदाज में नहीं पहुंच पाती। न्यूज स्पेशल में खबरों के पोस्टमार्टम के लिए पेश है विशेष पेशकश। छत्तीसगढ़ के महासमुंद का एक छोटा सा गांव बुंदेली आज पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। आदर्श ग्राम के सतनामी समाज के लोगों ने स्टाम्प पेपर पर हस्ताक्षर कर ना शराब बनाएंगे ना बेचने का संकल्प लिया है। सतनामी समाज ने 22 जनवरी को गांव में बैठक आयोजित की। इस बैठक में समाज के वरिष्ठ जनों ने 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर लिखा पढ़ी करके शराब ना बेचने और ना बनाने का संकल्प लिया। प्रदेश में एक तरफ जहां शराब को लेकर राजनीति तेज है, भाजपा कांग्रेस एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं, वहीं महासमुंद जिला के आदर्श ग्राम बुंदेली में सतनामी समाज ने शराब के खिलाफ जो अभिनव पहल की है वो काबिले तारीफ है। आपको बता दें कि ग्राम बुंदेली में महुआ से बनाई जाने वाली शराब की बिक्री अधिक मात्रा में होती है, इससे आसपास के गांव भी प्रभावित हो रहे थे। समाज और परिवार के बदलते परिदृश्य को और दुर्दशा को देखते हुए सतनामी समाज ने यह फैसला लिया है। तो यह है सतनामी समाज जिसने एक अभिनव पहल की है। स्टाम्प पेपर पर बाकायदा लिखा पढ़ी की गई है कि ना अब हम लोग शराब बनाएंगे, ना बेचेंगे, ना पिएंगे, ना पिलाएंगे। तो हमारे संवाददाता रवि रंजन हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, एक बहुत ही अभिनव पहल, जहां एक तरफ छत्तीसगढ़ सरकार जो है कई बार जिक्र किया जाता है कि शराबबंदी की जाएगी और शराब के खिलाफ जो है एक माहौल बनाया जाएगा, लेकिन सरकार कुछ करती उससे पहले यहाँ के सतनामी समाज ने एक नई शुरुआत करी और बाकायदा स्टाम्प पेपर पे लिखा पढ़ी भी हो गई। जी हाँ, सतनामी समाज ने एक बहुत ही एक अच्छा पहल है इसने किया है, जबकि आज देख सकते हैं कि प्रदेश में शराबबंदी को लेकर कितनी राजनीति तेज चल रही है, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस या जो भी कांग्रेस हो, यहाँ तक कि विधानसभा चुनाव में भी शराबबंदी का मुद्दा मुख्य रूप से हो रहा था और शराबबंदी की बात कही गई थी। सरकार ने अभी तक तो फिलहाल कोई कदम उठाया नहीं है, इस पर राजनीति चलते रहती है दोनों की तरफ से, सत्ता पक्ष और विपक्ष में। लेकिन महासमुंद के एक छोटे से गांव, एक आदर्श गांव बुंदेली के ग्रामीणों ने सतनामी समाज ने जो किया, वाकई में ये सिर्फ सतनामी समाज की नहीं, एक प्रदेश के लिए और जितने भी समाज है यहाँ पर उसके लिए एक अभिनव पहल की शुरुआत है ये, ताकि आप भी आइए, हमसे जुड़िए। और यहाँ तक कि सतनामी समाज से मेरी बात हुई थी जिला अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि सिर्फ ये गांव का मामला नहीं है, हम सब समाज को इसमें जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि समाज एक शराब एक आज व्यापक जो है वो सिर्फ इससे घर परिवार ही बर्बाद नहीं हो रहा है, इससे कहीं ना कहीं वातावरण दूषित हो रहा है, प्रदेश की जो आय होनी चाहिए, चाहे जो लोगों की जो सोच है वो मानसिक रूप से कुंठित हो रही है, शराब का एक बड़ा जो इस पैसे का जो आमदनी का एक बड़ा हिस्सा है शराब में खर्च हो जाता है। तो ये वाकई में अपने आप में एक काबिले तारीफ है और समाज के लोगों ने बहुत अच्छी पहल की है। ये एक छोटा सा गांव है बुंदेली, आदर्श ग्राम इसको कहा जाता है, और जो आदर्श इसने प्रस्तुत किया है वो काबिले तारीफ है। कैसे ये मन में आया यहाँ के लोगों को कि इस तरह का कदम उठाया जाए जो एक मिसाल बने लोगों के सामने, और प्रदेश में भी जो है ये संकल्प उन्होंने जो लिया है इसकी चर्चा हो और बाकी लोग भी इसका अनुसरण करें? जी, एक्चुअली क्या है कि इसके बगल में एक महुआ के अच्छी खासी शराब वाले शराब की वो पैदावार होती थी, शराब बनते थे वहाँ, महुआ के अच्छी खासी वहाँ पैदावार होती है। तो उससे क्या है कि शराब पीने से लोगों की जो है जो झगड़ालू हो गए थे, उसके बाद आमदनी का बड़ा हिस्सा शराब में फेंक देते थे, कुछ काम नहीं करते थे, तो इन्होंने एक शुरुआत की
मानने पर समझाने पर कोई समझता नहीं था, तो इन्होंने बकायदा स्टाम्प पेपर पर लिखा, बकायदा स्टाम्प पेपर के बाद इन्होंने वहाँ के जो TI जो है उस गांव के अंदर जो पड़ता है वहाँ पर इन्होंने दिया, बोला कि अब हम लोग शराब ना पियेंगे ना करेंगे। इसके बकाय इन्होंने एक समिति बनाई और समिति में ये विचार रखा गया, सभी लोगों को बुलाया गया कि अब जो भी शराब पिएगा या बनाएगा उस पर जुर्माना लगेगा, तो इन्होंने जुर्माना किया। और अभी इसका अच्छा नतीजा ये बोल सकते हैं कि वहाँ पर अब लगभग 75% जो नतीजे अभी फिलहाल अभी आए थोड़ी देर पहले कि 75% लोगों ने शराब पीना बंद कर दिया है। जी जी, बहुत अच्छी पहल है जी। हाँ, रवि आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ जुड़ गए हैं किशोर सोनवानी जिन्होंने इस पूरे अभियान की पहल की। किशोर जी आपका बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। कैसे मन में विचार आया कि शराब पर लगाम लगाना है, उसकी खरीद फरोख्त पर लगाम लगाना है और जो शराब पीने की प्रवृत्ति है लोगों की उसको जो है दूर किए से किया जाए, तो ये इस तरह से स्टाम्प पे लिखा पढ़ी करने का जो विचार कैसे आया आप लोगों के? जी सर, लगभग बुंदेली 8,000 की जनसंख्या वाली बस्ती है जी, जिसमें लगभग 70% के घरों में महुआ शराब बनाई जाती है और बेची जाती है जी। जी सर, इससे अपन को लगा कि जैसे शाम होता था पूरा बुंदेली एक जी था जी, और बहू बेटी जी कल्लू लोग का दुभर हो जी, जी। जिसके चलते हम लोग गुरु घासीदास जयंती के तैयारी में समाज मीटिंग बैठे और मीटिंग बैठने के बाद एक निर्णय लिया गया जिसमें अगर कोई भी समाज के व्यक्ति अगर शराब बनाता है जी जी और पीता भी है और पिलाता है जी, उनको समाज की ओर से 50 रुपए का आर्थिक दंड रहेगी जी। और अगर कोई आदमी अगर बना भी रहा है जी, अगर उसका कोई आदमी उसको बता भी देता है समाज में पकड़ में आ जाता है जी, 1,000 रुपए का प्रोत्साहन राशि समाज की ओर से उसको दिया जाना है। किशोर जी, ये सारी चीज की जी जी किशोर जी एक बात बताइए कि आप जिस तरह से बता रहे हैं कि 8,000 की आबादी है इस गांव में और ज़्यादातर घरों में शराब बनाई जाती है बेची जाती है, तो क्या ये लाइसेंस के रूप में ये बनाते हैं, लाइसेंस है इनके पास शराब बनाने का, या अवैध रूप से बनाई जाती है, क्या कुछ है ये मामला? जी, अवैध रूप से शराब बनाया जाता है सर, कच्ची महुआ की शराब से बनाया जाता है यहाँ। तो इस पे इसके लिए कभी जिला प्रशासन ने या आबकारी विभाग ने इस गांव में दबिश नहीं दी, कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई? जी, कार्रवाई के नाम से सर तो यहाँ एक ढपोसला है, ढपोसला के नाम से केवल खाना पूर्ति करते हैं जी, छोटे मोटे लोगों को बनाया और कार्रवाई करते हैं, उसके बाद कोई पुलिस प्रशासन कोई ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते सतनामी समाज के द्वारा इस प्रकार का प्रतिबंध लगाया गया कि दारू उन्मूलन चलाया जाए, नशा मुक्ति जी, ऐसा करके जी, और एक पूरा समाज के समुदाय के व्यक्ति को इकट्ठा करके स्टाम्प पेपर पे सिग्नेचर कराए, स्टाम्प पेपर पे सतनामा लिख करके जी, समाज के सभी घरों से दस्तखत कराया गया है, जो लगभग सतनामी समाज यहाँ 200 घर के लोग हैं, 200 घर के पूरा उसमें सिग्नेचर है जी, और वो और उसको एक फोटो कॉपी चौकी जा समाज के प्रमुख जनों के साथ में जी बुंदेली पुलिस चौकी जा करके यहाँ के जो पुलिस चौकी प्रभारी है उनको एक कॉपी सौंपा गया। अगर इस टाइप का हरकत अगर होती है, शराब पकड़ाती है, इनके ऊपर भी कार्रवाई किया जाए पुलिस प्रशासन के द्वारा, ऐसा करके पुलिस चौकी में भी इनका भी रिपोर्ट दिया गया है। किशोर जी एक बात है कि जिस तरह से आपने बताया कि पूरे गांव में जो है ज्यादातर घरों में शराब बेचने का जो काम होता है, शराब बनाने का काम होता है, और जाहिर सी बात है कि जब गांव के ज़्यादातर घरों में शराब बनाई और बेची जा रही है तो उनकी रोजी रोटी का जरिया भी यही है, यदि अब वो शराब नहीं बनाएंगे नहीं बेचेंगे तो उनके किस तरह से वो अपनी रोजी रोटी चला पाएंगे, इसके लिए आगे कोई विचार किया गया? अधिकांश लोग मध्यम परिवार जी, काम रोजमर्रा के लिए कुछ साधन भी है उनके पास, लेकिन उनका जो है एक धंधा सी बन गई है कि शराब बेचना है, जिससे अच्छा मोटी इनकम जी इनका सोच है, जिसके चलते शराब बनाया जा रहा है, ऐसे कोई गरीब तबके के लोग नहीं है यहाँ जी। यानी कि यदि शराब वो नहीं भी बनाते हैं और यदि संकल्प जैसा उन्होंने लिया है तो दूसरे रोजगार धंधों में वो जो है अपने घर का भरण पोषण कर सकते हैं, तो ये बड़ी ही अच्छी पहल किशोर जी। और आपको क्या लगता है कि सिर्फ अभी एक गांव में ये शुरुआत हुई है, जाहिर सी बात है कि जब
इधर इस गांव में ये शराब बेचने और बनाने का काम होता है, तो आसपास के क्षेत्र भी ये इन कामों में होंगे, तो क्या वहां तक ये मिसाल पहुंचे, यहाँ के लोगों ने जो फैसला किया है उसकी दिशा में कुछ जागरूकता अभियान वगैरह चलाने का आपका कोई मंशा है? जी सर, हम एक टीम तैयार कर रहे हैं, लड़के लोग, नवयुवक लोग का, लगभग 18 से 40 साल के आयु के लोग इसमें हमारे टीम में रहेंगे, जगह जगह पूरा गांव में, समाज में, प्लस अन्य समाज की ओर हमारा रुझान रहेगा कि वहां जाकर के हम समझाएं, और ये पूर्ण शराबबंदी पूरा छत्तीसगढ़ में एक सतनामी समाज का एक नया मिसाल होगा, जो उन्होंने सबसे पहले आगे बढ़ करके शराबबंदी की ओर ध्यान आकर्षित हुआ है। जी किशोर जी, एक बात और, महासमुंद जिले में ऐसे कितने गांव होंगे जहां ये महुए की शराब बनाने और बेचने का काम होता है? लगभग सर महासमुंद जिले के मान के चलिए कि 80% गांवों में शराब बनती, क्योंकि जंगल क्षेत्र से लगा हुआ गांव है सर, ये पूरा जंगली गांव है। जी जी, और साथ में सर इधर जोक नदी से लगा हुआ गांव है, उड़ीसा सीमा पे है, और यहाँ से भी उड़ीसा की शराब यहाँ आती है और बेची जाती है। जी तो किशोर जी, इतने सालों से ये सिलसिला चला आ रहा है शराब बनाने का, और ये शराब का कारोबार जो है, जो महासमुंद जिले के ज़्यादातर गांव में रोजी रोजगार का एक जरिया लोगों का बना हुआ है, क्या कभी शासन ने, सरकार ने कभी इस पर रोक लगाने के लिए कोई मुहिम चलाई, कोई जागरूकता अभियान चलाया? आप लोगों ने जो पहल की वो तो वाकई काबिले तारीफ है, और जो काम सरकार को करना चाहिए था वो आप लोग कर रहे हैं, लेकिन इसको, इस पूरी जो है कारोबार को खत्म करने के लिए अवैध शराब के, सरकार दावे तो बहुत करती, कभी कुछ किया भी गया? जी सर, लगभग यहाँ 15-20 साल से इस टाइप का अवैध शराब का बिक्री यहाँ किया जाता है, लेकिन शासन प्रशासन द्वारा सर केवल खाना पूर्ति के नाम पे ही कार्रवाई की जाती है, और उससे मोटी पैसा रकम लेकर के उसको छोड़ भी दिया जाता है पुलिस प्रशासन के द्वारा, आबकारी विभाग के द्वारा। जी सर, तमाम जानकारी के लिए रवि रंजन हमारे साथ जुड़े हुए, हमारे संवाददाता। रवि, जिस तरह की जो पहल की है यहाँ इस गांव वालों ने शराबबंदी के खिलाफ, और जैसा बताया जाता है कि महासमुंद जिले के ज्यादातर गांव में अवैध शराब बनाने का कारोबार चलता है, लेकिन इस पर नकेल नहीं कसी जाती, जिस तरह की पहल यहाँ सतनामी समाज ने की है, तो क्या लगता है कि अब प्रशासन भी जागेगा और इनके साथ में साथ देकर आगे इस मुहिम को बढ़ाया जाएगा? जी हाँ, ये जो गांव जो है महासमुंद का, ये उड़ीसा से लगा हुआ इलाका है, और यहाँ पर जो व्यापक पैमाने पर, सही बात है कि वहाँ पर अवैध शराब का जो है कारोबार खूब फल फूल रहा है जी, और पुलिस कार्रवाई भी करती है हमेशा, कुछ ना कुछ पकड़ाती ही रहता है शराब, लेकिन वो सिर्फ एक महज खाना पूर्ति होती है जी। कुछ लोगों पर कार्रवाई करके फिर वो पुलिस आराम से बैठ जाती है, फिर वो आराम से जो अवैध जो कारोबार करने वाले हैं वो भी करते रहते हैं अपना काम जी। तो जाहिर सी बात है कि पुलिस कर्मियों ने जब ये देने गए थे अपना शराबबंदी का, तो उन्होंने बोला कि हाँ, आप मेरी तरफ से जो भी बन पड़ेगा पुलिस तरफ से, पुलिस आपका हमेशा सहयोग करेगी और हमेशा करती रही है पुलिस, ऐसी बात नहीं कि पुलिस सहयोग नहीं करती, लेकिन वाकई में इन लोगों ने बहुत काबिले तारीफ काम किया है, और ये महासमुंद में बोल रहे थे, इनके जिलाध्यक्ष भी बात हुई थी, उन्होंने बोला कि सिर्फ एक सबसे पहले से महासमुंद में कहूंगा, महासमुंद शुरू से ही कर रहा है शराबबंदी का नेतृत्व में, कुछ नेताओं ने भी शराबबंदी को लेकर काफी मांग उठाया था जी। कह सकते हैं कि आप प्रदेश में शराबबंदी की अगर शुरुआत की मांग कहीं से हुई तो महासमुंद जिला था, क्योंकि वहां पर एक धारा बहुत बड़ा धारा जो इससे प्रभावित है, झारखंड का बॉर्डर कुछ दूर पर है, उड़ीसा से लगा हुआ इलाका है, तो वहां पर शराब, अवैध शराब, शराब का खेल बहुत जोर शोर से चलता है, तो ये एक अभिनव पहल है सतनामी समाज की, और ये वाकई में काबिले तारीफ है। जी बहुत बहुत शुक्रिया रवि इस तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं ग्राम बुंदेली के सरपंच डीडी दीवान। दीवान साहब, बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। ये जो शुरुआत आपके गांव में हुई है शराबबंदी को लेकर, जो एक मुहिम आप लोगों ने शुरू की है, बाकायदा स्टाम्प पेपर पर लोगों से लिखवा लिया गया है कि अब वो ना शराब बनाएंगे ना बेचेंगे, तो क्या लगता है आपको कि ये जो आप लोगों ने कदम उठाया है शराबबंदी के खिलाफ, ये आगे और कहाँ तक इसको लेके जाएंगे? प्रयास कर रहे सर, सभी छोड़ दे इसको जी, कोई ऐसे इस चीज को उपयोग मत करो, गलत है, इस तरह छोड़ रहे हैं जी, और सभी लोग मस्त इस काम में लिख कर दिए हैं जी, बड़ी अच्छी बात है जी।
दीवान साहब एक बात बताइए कि आप लोगों ने जब ये विचार किया कि इस तरह से स्टाम्प पेपर पे लिखवा लिया जाए, लिखा पढ़ी कर लिया जाए, तो कभी इसका कुछ विरोध भी हुआ? क्योंकि बहुत ही एक मोटी कमाई का जरिया है शराब बनाकर बेचना इन लोगों के, और कई सालों से जब ये करते चले आ रहे हैं, और जब देखा कि यदि इस तरह का हम कोई फैसला करते हैं तो हमारा जो है आवक जो है पैसों की वो कम हो जाएगी, तो कुछ विरोध विरोध में भी लोग आए, और उनको किस तरह से मनाया गया? अब सभी को बताया कि इससे हमारा जो भविष्य बाल बच्चे भी इसे प्रभावित हो रहा है जी, तो इसको बंद करना ज्यादा उचित होगा, इस टाइप के सभी का विचार हुआ जी। तो सारे जो लोग यहाँ पर हैं इस गांव बुंदेली में जो लोग शराब बनाते थे, उन लोगों को समझाने के लिए या उन लोगों को समझाइश देने में आप लोगों को कोई दिक्कत आई, या जैसे ही आप लोगों ने बताया कि हम इस तरह का कदम उठाने जा रहे हैं, लोग स्वतः ही आपके पास आए और उन्होंने दस्तखत किए इस कागजात पर? सभी डॉक्टर आए सर जी। दीवान साहब अब और क्या आपका इरादा है आने वाले समय में? एक गांव में तो ये सब लोगों ने फैसला कर दिया, बाकी के जो गांव आसपास के सटे हुए वहां भी जब शराब बंदी की जाए, इसके लिए क्या कुछ करेंगे आप? तो इसमें गांव आ जाकर और अच्छा से समझेंगे कि जो हम लोग किए हैं वो अच्छा ठीक है, तो आप लोग भी इस टाइप करो जी, इससे जनता में कुछ तो सुधार होगा ही जी। क्या कुछ परिणाम जब से ये फैसला लिया है यहाँ के लोगों ने, तो गांव का माहौल कैसा है, क्या लग रहा है लोगों को? जब एक जब जमाना था या एक वक्त था जब पूरे गांव में शराब की महक ही दिखाई मतलब होती थी, फिजा में घुली हुई होती थी, लेकिन अब जो है इस शराब की कारोबार से लोग दूर हो गए हैं और एक अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाह रहे हैं, तो अब गांव के माहौल में पहले के और अब में क्या फ़र्क नज़र आता है? तो पहले क्या है, हमेशा आदमी खा के इधर उधर होते थे, अभी थोड़ा शांत माहौल लग रहा है जी, सुधार हो रहा है जी। क्या अब लोग कहते हैं कि हम अपने आने वाली पीढ़ी में जो बच्चे हैं उनको एक नई दिशा देंगे और ये शराब बनाना बेचना और इस कारोबार से दूर रखेंगे, ऐसा कुछ लोगों के मन में है विचार? जी वही है सर जी, हम लोग जितना दिन इस शराब में हुए हुए बाल बच्चे को आने नहीं देंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए दीवान साहब आपका, और आपकी इस नेक पहल के लिए बहुत साधुवाद आपको। तो शराब के दुष्प्रभावों से चिंतित होने के बाद इस गांव के लोगों ने यह फैसला किया कि अब ना शराब बेचेंगे ना बनाएंगे, और यही वजह रही कि आज इन तमाम लोगों ने एक बैठक करके स्टाम्प ड्यूटी जो है स्टाम्प पेपर उस पर हस्ताक्षर करवाए पूरे गांवों के, और सब लोगों ने जो सामूहिक फैसला लिया है उससे अब जाहिर तौर पर गांव की दिशा बदल रही है, दशा बदल रही है, और निश्चित तौर पर अब ये गांव जो है विकास पथ पर आगे बढ़ने के लिए अग्रसर है। लोगों को फिक्र थी कि उनके बच्चों पर जो दुष्प्रभाव पड़ रहा है उसे खत्म करने के लिए उन्होंने ये फैसला किया। दीपक मिर्री हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक जी आपका बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में, और क्या कुछ जो पहल आपने की है उसके लिए बधाई, और अब आगे जाके क्या रणनीति रहने वाली है आपकी? जी धन्यवाद, नमस्कार, मैं दीपक मिर्री रायपुर जिला अध्यक्ष सतनामी समाज से जी। हम लोगों ने सर बुंदेली ग्राम है ये महासमुंद जिले में, वहाँ पे सतनामी समाज की पहल पे शराबबंदी की शुरुआत की है, और छत्तीसगढ़ शासन की जो घोषणा है शराबबंदी का उसको आईना दिखाने का काम सतनामी समाज ने किया है जी। कि हर समाज के लोग शराबबंदी की पहल करें तो निश्चित रूप से सरकार को सहूलियत होगी जी। मिर्री साहब एक बात बताइए कि ये जो सतनामी समाज है जो सालों से शराब बनाने और बेचने का काम कर रहा है, एक गांव में तो ये पहल शुरू कर दी, लेकिन पूरे समाज को बदलने के लिए क्या कुछ कदम आगे उठाने वाले हैं आप? ये एक गांव से मिशन शुरू हुई है सर, इसको हम प्रदेश लेवल में प्रदेश के प्रगतिशील जो मैनेजिंग बॉडी है उसमें इस मुद्दा को रखेंगे जी। और प्रत्येक गांव में छत्तीसगढ़ के जितने भी ग्राम पंचायत के माध्यम से इसको हम मिशन को अंजाम देंगे जी। कि प्रत्येक गांव में सतनामी समाज जो है शराब बंदी के काम में करें जी। ये हमने पहल रखी है सर, और बहुत जल्दी ये पूरा प्रदेश में लागू करेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए मिर्री साहब जी। सर धन्यवाद। तो ये
है बुंदेली गांव का सतनामी समाज जिसने फैसला किया है कि अब शराब के खिलाफ जो है आवाज उठाई है। तो एक नई पहल जो जाहिर तौर पर पूरे प्रदेश के लिए एक नजीर बन गई है। तो देखा आपने कि किस तरह से बुंदेली गांव के सतनामी समाज ने अब यह फैसला किया है कि वो शराब ना बनाएंगे ना बेचेंगे। ये बहुत ही अच्छी पहल की है। और जिस तरह से यहाँ के लोग हैं, जिन लोगों ने इस बात ये विचार जिन्होंने फलीभूत किया, अब आगे जाके पूरे प्रदेश में इसकी अलख जगाने का काम किया जाएगा। न्यूज स्पेशल में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, बने रहिए न्यूज वर्ल्ड के साथ। नमस्कार। पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा।